इन्होंने अपने नाम से पैसे दिए थे कि हमारे नाम से फ्लैट खरीदना, तो मैंने इनके नाम से लेते हुए अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करा दी। मदर ऑफ योर क्लाइंट, और मदर को क्या तकलीफें होती हैं आपको तो पता है, बच्चा पैदा करना, बच्चे को संभालना कितने कष्ट होते हैं, इसको नहीं जानकारी आपको है। इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं सर, ये पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं सर, मकान पर कब्जा करके बैठे हैं, पत्नी से गाली गलौज चलाते हैं, खुद बात करता है क्या है सर। ये ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज कर दिया था, अपील भी हमारी रिजेक्ट हो गई, फिर हमने जो है ये रिविजन फाइल की है, अर्लियर रिविजन विदड्रॉ करके जो है प्रेयर में कुछ मिस्टेक थी तो विदड्रॉ करके फ्रेश रिविजन फाइल कर दी है। इसमें ट्रायल कोर्ट में जो है जो चार्ज फ्रेम किया था 420 एंड 34 ऑफ द आईपीसी फ्रेम किया था। अब उसमें ट्रायल कोर्ट का आप जजमेंट देखेंगे पेज नंबर 25। नहीं तो एक्विटल हो गया, तुम बता रहे हैं। हाँ एक्विटल हो गया। अब वो मदर और बेटे का डिस्प्यूट है सर, ये मदर ने क्या हुआ था कि पैसे दिए थे मदर फादर ने एक फ्लैट खरीदने के लिए और उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, 5,21,000 रुपये दिए थे इन्होंने, और फिर क्या किया बेटे ने जो ऑनर था उससे एक पावर ऑफ अटॉर्नी खुद के नाम करा ली, वो खुद के नाम से कराने के बाद जो है अपनी वाइफ के नाम से उसकी रजिस्ट्री कर दी उस पावर ऑफ अटॉर्नी की। जब इनको मालूम पड़ा तो फिर इन्होंने जो 25 पे क्या पढ़ना आपको है सर, 22 सर, इसमें प्रकरण पैरा नंबर 22 है सर, प्रकरण में साक्षी गोदावरी भाई परसवानी के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने आरोपी लखन पर भरोसा करके उक्त तो फ्लैट को अपने और अपने पति जंगलदास के नाम से क्रय किए जाने के लिए राशि दी थी, परंतु उसके साथ धोखाधड़ी की गई, परंतु फरियादी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण उस समय से जब फरियादी द्वारा क्रय किए जाने हेतु उसे रुपये और चेक दिए गए थे उस समय से या बेईमानी का आशय रखते थे। इस प्रकार उक्त कार्य केवल संविदा भंग की कोटि में आते हैं। आपराधिक अभियोग के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि नहीं है तथा प्रकरण में आरोपीगण द्वारा फरियादी को प्रवंचना कारित किया गया इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अब इसका इनका स्टेटमेंट देखेंगे सर आप फरियादी का, ये बताइए ये आपकी अपील जो है अगेंस्ट एक्विटल है, रिविजन अगेंस्ट एक्विटल है, इसको आप कमीशन में करना चाहते हैं? हाँ, वो रिमांड करने की प्रेयर है सर कि इसको पनिश किया जाए सर। तो रिमांड करेंगे सर? हाँ, रिमांड भी बहुत मुश्किल से होता है। हाँ रिमांड कर, इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा जी, क्योंकि वो बार करता है क्रिमिनल रिविजन में, हम इसको कनेक्शन को एक्विटल को कनेक्शन में चेंज नहीं कर सकते जी। नोटी ऑफ रिमांड आल्सो, बट आई हैव टू सी होल केस। ठीक बताइए, अपीलेट कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 19 देख ले, रिमांड करने की भी आवश्यकता नहीं। जो ये इनका एलिगेशन है कि इन्होंने अपने नाम से पैसे दिए थे कि हमारे नाम से फ्लैट खरीदना, तो मैंने इनके नाम से लेते हुए अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करा दी। पैराग्राफ अपीलेट कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 19 देख ले, पेज नंबर 7 पे सारी बातें एडमिटेड की है। अब ये मारपीट करता है ओल्ड लेडी है सर, ये कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था सर पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये थोड़ा ये जो मारपीट करते हैं ना, ये करती है हर बार, ये ना इस टाइप से इन्होंने कई सेवरल लिटिगेशन फाइल करे उसके सर। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और कुछ को समझाओ ना हम इस सर, ये जो ये कॉम्प्रोमाइज बता रहे उसके बारे में पहले मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ये क्या हर बार ये एक बात बोल देते हैं। आप देख रहे तो दें एक मिनट, अरे एक मिनट मुझे क्लियर तो कर लेने दे सर, क्या आपने प्रस्तुत कर दे मुझे बताने दे। अरे रिविजन के साथ आपने फाइल करानी है, अरे आप उसके पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अरे भाई मुझे बताने दे। अब आपने रिकॉर्ड में लगा हुआ है नीचे की ट्रायल कोर्ट, इसको पेश करने की जरूरत है सर। ये कॉम्प्रोमाइज एक्चुअल ये हुआ था सर, इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी थी सबसे पहले, एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करी, उसके अंदर इन्होंने 200 और 202 के इनके स्टेटमेंट हो गए। आफ्टर दैट दे फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) कोर्ट अलाउड दैट एप्लीकेशन, उसके आधार पे ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। हमने उस 156(3) के ऑर्डर को चैलेंज किया था हाईकोर्ट में 482, उस 482 में ये ऑर्डर हुआ कि आप लोग बैठ के बात कर लें, कोई बात हुई नहीं, इन्होंने कोई बात करी नहीं, नहीं होगी सर। ये इन्होंने हमारे खिलाफ कम से कम 7 से 8 लिटिगेशन फाइल कर रखे थे, उसमें सब में हम इक्विटल हुए, ये रोज रोज एक एफआईआर रजिस्टर्ड करा देती उसके। तो मारता सर ये इसमें इनके ऊपर भी जो है रोज मारापीटी होती है सर, और ये इसके इक्विटल मतलब जो एप्लीकेंट है हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए सर, ये अकेली लेडी है सर, और इज एडमिटेड फैक्टर सी मदर ऑफ योर क्लाइंट डेफिनेटली सर।
और मदर को क्या तकलीफें होती हैं आपको तो पता है सर, वो बच्चा पैदा करना, बच्चे को संभालना कितने कष्ट होते हैं, इसको नहीं जानकारी आपको है? नहीं, मैं सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, ये मालूम तो होगा आपको मदर कैसे बच्चे को पालती है। आप अगर थोड़ी देर गलती है मदर करती तो भी बच्चे को एडजस्ट करना चाहिए। हम तो इनको अरे रोज नहीं, प्रति घंटे एफआईआर करे तो भी गलती नहीं उसकी है, आप उसको बराबर नहीं कर सकते हैं। जो तकलीफें होती हैं मदर को, जो जो किसी मदर से आप पूछ लें या अनुभव होगा तो आप देखते होंगे। मेरा कहना है कि आप बीइंग ए गुड एडवोकेट वी शुड ट्राई टू मेक देम कॉम्प्रोमाइज, वी शुड मतलब दोनों के बीच कंसोल्यूशन हो जाए और खत्म करिए। सर नहीं हो पाया सर, इसके पहले मोदी साहब ने भी करके देख लिया, सेव हर कोर्टो में ये हुआ है सर, ऐसा नहीं मैं आपसे कोई गलत बात हुआ ना सर, हम आज भी इसको तैयार है करने, हर कोर्ट हर कोर्ट में तैयार है, ये बदल गए। अरे ये झूठ, ये कोर्ट के सामने झूठ बोल देता हूँ, और ये हम रेडी है, ये अकेली क्या मारेगी सर, क्या करेगी सर? और आज इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं सर, ये पीसफुल लाइफ जीना चाहते सर, मकान पर कब्जा करके बैठे, पत्नी से गाली गलौज कराते हैं, खुद बात करता है पत्नी सर, और वो एक ये फ्लैट जो है दूसरा सर, ये महसूस नहीं कर रहा ना साहब, अब पार्टी भी नहीं यहाँ पे सर, पार्टी एक बुलवा ना सर, फिक्स डेट दे दें कोई सी, दोनों वैसे भी मेंटेबिलिटी पे है सर, वैसे पिटीशन पहले मेंटेबिलिटी पे है। अरे सर ये तो हो गई, ऑर्डर तो मुझे ही करना है जी, फाइनली ऑर्डर तो मुझे ही करना है, जो करना कर दूंगा ऑर्डर। देखिए मैं चाहता हूँ कि उसके पहले एक बार प्रयास कर लूँ, थोड़ा सा देखिए क्या है सर, वो यहाँ आएगा ना और यहाँ से घर तरफ तक भी जाएगा, तब तक ये फायर हो जाएगी कि रस्ते मुझे रोका और मुझे गाली बजी, कहाँ से सर ये बता दे सर कि ये इस टाइप से उसके खिलाफ एफआईआर होती, जैसे आए वो हाईकोर्ट आ भी गया, यहाँ बैठ के आपने बात कर ली, इन्होंने बात कर ली, तो वो यहाँ से घर की तरफ निकलेगा ना, अरे क्या आएगा तो नहीं एफआईआर होगी ना, आपसे तो मिलता होगा ना? नहीं मेरे से तो मिलता है सर, आप समझा सकते हैं उसको सर, वो तो सब समझा के देख ले सर, ये शी मतलब शी सर, ये विद इन वन ईयर कोई रिपोर्ट करी हो तो ये बता दें, अब एक साल में कोई रिपोर्ट नहीं हुई सर, आप रिपोर्टिंग सब में आप हार गए मेरिट पर, सब झूठी रिपोर्टें पाई गई। एक लड़का इनको सपोर्ट करता था, उससे इनकी पत्नी, इनकी पत्नी से 354 की रिपोर्ट करवा दी सर, हम 7 से 8 वो भी एक्सीडेंट हुआ, पत्नी तो मेरी करवाता है झूठी रिपोर्ट, हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं सर, आपकी रिपोर्ट से कुछ होना भी नहीं है, नहीं हमारी तरफ कोई रिपोर्ट नहीं, हमारी तरफ से इनके खिलाफ एक रिपोर्ट नहीं, 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 ये मारते पीटते सब कर लेते पर हम कुछ नहीं बोल रहे, और अगर यहाँ आएंगे ना, जिस दिन यहाँ आएंगे ना अगले दिन आप बुलाइए यहाँ पे, आप खुद जिम्मेदारी लीजिए कराने की सर, ये फैसले के पहले आप इसमें कम्प्रोमाइज कराने का प्रयास करिए, इट इज योर ड्यूटी, आप प्रयास करिए, बाकी जो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करेंगे, ये ऑर्डर मेरिट में जो होगा ऑर्डर करेंगे हम, मेंटेनेबिलिटी और सारा कुछ एक साथ सर, इनके ऑफिस भेज देता हूँ सर के, मेरे परिवार मेरे भी वो समझा लीजिए करके देख ले, आप यही बोला मैं तो, मैं तो, मैं तो, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, आप आपका क्लाइंट आप तो नहीं, नहीं सर, वो इनके ऑफिस में इससे पहले भी उन्होंने कई बार बात कर चुके उससे, हम तो तैयार हैं, ये हम इनको एक फ्लैट की रजिस्ट्री करते हैं, मानवीय आधार बात कर रहा हूं, मदर है, शी इज एडमिटेडली मदर ऑफ ए चाइल्ड हु इज योर क्लाइंट, तो समझाइए क्या मतलब, क्या तमाशा है कोर्ट में कर रहे हैं, बुला इनमें बुलाया था, बुलाने की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ आप खुद बुला के अपने यहाँ समझाओ, मेरे नाम है ना, नहीं होगा तो मैं तो उनको याद करूंगा ही, वो भी पहचान है सर, 1 करोड़ की दुकान है और 1 करोड़ का फ्लैट है, वो हम देने को तैयार है रजिस्ट्री करने, ये सिर्फ जो है सिंधी कॉलोनी का जो मकान है जिसमें ये रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हो रहता है, वो खाली कर दे, खाली कर दे, ये है ना, हम 1 करोड़ की दुकान दे रहे हैं, जैसी कोई बात आती ना तो ये हर ट्रायल कोर्ट में भी यही बोलते हैं 2007 का कॉम्प्रोमाइज 1 करोड़ की दुकान दे रहे हैं सर 1 करोड़ की दुकान दे रहे हैं, 1 करोड़ का फ्लैट दे रहे हैं और ये मकान हमारा खाली कर दे, पीसफुल ही एक्सप्रेस माई फीलिंग, यू आर लर्नेड एडवोकेट और आपको उनको आप पे विश्वास करके उनको समझाओ कि बाप साल तुम्हारी मदद के पास भेज दो सर, ये समझा ले ये करके देख, अरे आप समझाओ बहुत टाइम फोटी की आई, अरे नहीं सर वही मुझे मालूम है ना, ये इस हर कोर्ट में ये बात बोलते हैं कि हम 1 करोड़ की रजिस्ट्री भी कर देंगे, ये भी कर देंगे ना, वो भी कर देंगे, अरे हम कर रहे हैं सर, मैंने बोला ना ये सब झूठ बोलते हैं, मान लिया ये थोड़ा झूठ बोल रहा है कि वो मदर, नहीं नहीं ये तो मैं भी नहीं बोल रहा था, मुख्य मुद्दा तो यहाँ पे है, यहाँ मुद्दा मुख्य है मदर का केस है, मदर बच्ची के खिलाफ लड़ रही है,
ये थोड़ा सा इसको बोला सारी बातें याद नहीं मुझे ऐसा।